लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे देखोगे साल भर कुछ नहीं पढ़ते फिर भी वो 95-99 लाते हैं, वो यही फार्मूला अपनाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का भैया मैथ्स और साइंस की तैयारी केवल और केवल 4 दिनों में कैसे करें। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया कोई ट्रिक लेके आओ, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ्स और साइंस की तैयारी आप केवल और केवल 4 दिनों में कैसे कर सकते हो। पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको जानने को मिलेगी, आप लोग इस तरीके से फॉलो करोगे तो साइंस और मैथ में अभी भी फोड़ सकते हो। कुछ भी नहीं पढ़े हो, आधा पढ़े हो, बिल्कुल नहीं पढ़े, समझ रहे हो, तो पूरा का पूरा फोड़ के आओगे। मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद अपनाया था, जो प्रैक्टिकल होती है, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलो मैथ और साइंस तैयारी कैसे करोगे। देखो मैथ्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी क्लास 10th में, सबसे पहले आपके पास होने चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी बताएंगे। दूसरा चीज़ आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस, कैसे करते हो ये भी इंपॉर्टेंट है बताएंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, तो प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अब साइंस में, साइंस में आपकी एक तो आपकी फिजिक्स, एक होती है आपकी केमिस्ट्री, एक होती है आपकी बायो। देखो फिजिक्स में आपका क्या होना चाहिए भाई, है ना, कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला। तो यहाँ पर आप याद रखना थोड़ा सा कि भाई कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्लस फार्मूला, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या होता है, टोटली क्या होता है भाई साहब, कॉन्सेप्ट। भाई IUPAC नामकरण करना है तो पूरा का पूरा याद होना चाहिए ना कि भाई 4 कार्बन है तो क्या होगा, मेथ होगा, प्रोफ होगा, ब्यूट होगा, क्या होगा, ठीक है। बायो, बायो में आप रट सकते हो, ये में रट्टा चलता है। बाकी अगर आप सही जल्दी से याद करना चाहते हो तो मैं हमेशा से फोकस करवाता हूँ बच्चों का कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस कर लिया तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल आधी हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल मतलब अच्छी हो जाएगी, आपके टाइम जो है वो बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कारण कि आपको हर चीज़ जल्दी याद होगी। अगर आप मान लो परिभाषा भी रट रहे हो ना किसी चीज़ की, तो वो भी आपकी क्या होगी, जल्दी याद हो जाएगी। तो ये चीज़ है, तो कॉन्सेप्ट पता होगा, फार्मूला भी जल्दी याद होगा, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करोगे फार्मूला याद होगा, फार्मूला याद होगा, कॉन्सेप्ट भी पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, लगा लोगे मैथ। तो भाई इसमें ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। आप YouTube में चाहे जितनी वीडियो देख लो, केवल देख लो तुम, बस कुछ मत करो, YouTube में केवल वीडियो तुम चाहे जितनी देख लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते ना मेरे भाई, जब तक कुछ नहीं होने वाला, सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। वो प्रैक्टिस तुम खुद करोगे, केवल कॉन्सेप्ट में जहाँ फंस रहे हो ना वो चीज़ बस देखो इस समय, ठीक है, जहाँ पर फंस रहे हो, ठीक है, कुछ भी फंस रहे हो, फॉर्मूले में फंस रहे हो, वो चीज़ याद करो। अब मैथ में तुमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही नहीं पता है क्या होगा भाई, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 कुछ पता ही नहीं है, वृत्त की परिधि क्या होती है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रूट क्या होता है, जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, भाई फिर कौन सी ट्रिक लगा लोगे कि तुम पास हो जाओगे यार, आप ही सोचो ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं भैया कि हम तो पढ़े नहीं हैं, इतना हक से बोलते हैं, मुझको मतलब हंसी आया करती है, हम पढ़ाई नहीं किए हैं और भैया किसी भी तरीके से पास करवा दो, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो भैया बता दो, क्यों नहीं पढ़ाई किए, जब पढ़ना था तो क्यों नहीं किए, पूरा साल मिला था, क्यों नहीं किए भाई, हाँ ट्रिक बस देखने आ जाएंगे, भैया ट्रिक बता दो पास हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होने वाले मेरी जान, केवल प्रैक्टिस, मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें तुम केवल रट सकते हो, बस इसमें भी रट सकते हो, इसमें कुछ चीज़ें रट के कुछ चीज़ें फॉर्मूले से चलेंगी। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, दूरदर्शी दोष, निकट दृष्टि दोष, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, क्या है, कुछ पता है, अगर पता है तभी कर पाओगे। और पता है तो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा बहुत भी पता है तो क्या करना है, पहली चीज़ मेरी जान याद रख लेना कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो, कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करो, कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करो, वन शॉट लेक्चर देखो, मेहनत करो, 10 से 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो और अभी से फोड़ दोगे, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ना और तुमने 16 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया ना, फोड़ दोगे यार लास्ट में, क्योंकि याद रहेगा सारी चीज़ें, जो हम रिसेंटली पढ़े होते हैं वो ज़्यादा याद रहता है। तो भाई अभी पढ़ के, लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे देखोगे साल भर कुछ नहीं पढ़ते फिर भी वो 95-99 लाते हैं, वो यही फार्मूला अपनाते हैं, साल भर नहीं पढ़ते लेकिन एग्जाम के लास्ट में भाई साहब फुल जोश से पढ़ाई करते हैं, 15 घंटे 16 घंटे लग जाते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ छोड़ देते हैं। तुमको भी छोड़ना पड़ेगा, वो खेलना कूदना, इंस्टा, फेसबुक, बातें, रिश्तेदारों की बातें, कुछ भी यार इधर उधर की बातें, केवल पढ़ाई, किताब सामने दिखनी चाहिए, कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए, तब जा करके तुम फोड़ोगे। कॉन्सेप्ट के साथ मेरी जान फॉर्मूला,
फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले ही भूल गए हो कैसे लगाओगे कोई भी चीज़ आ गई मैथ में। साइंस में ही आपका मान लो न्यूमेरिकल आ गया, कैसे लगाओगे। लेंस सूत्र ही नहीं पता है, लेंस के बारे में न्यूमेरिकल आ गया, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, फोकस क्या होता है, केंद्र क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है, कैसे लगाओगे। अगर पता है तो लगाओगे। तो ये चीज़ है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑफेंसिव हो रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं पढ़ाई किए भाई, सिंपल सी बात है, क्यों नहीं किए पढ़ाई, जब साल भर मिला था क्यों नहीं किए। तो ये चीज़ है, याद रखना फार्मूला, ठीक है। ये सारी चीज़ें करो, 15-16 घंटे पढ़ाई करो, मेहनत करो और अपने से प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान प्रैक्टिस मांगता है, सही बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ को याद नहीं हो रहा है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, बस फोड़ दोगे एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ फोड़ दोगे का मतलब भाई समझ रहे हो ना, कि मेहनत तो करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। ये सारे लोग आ जाते हैं भाई, ज्ञान देश का मारते हैं भाई साहब, व्यूज छाप के निकल लेते हैं, केवल अपना मनी बनाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। ये लास्ट में सभी लोग अपना फ़ायदा चाहते हैं, सभी लोग, मैं भी, सभी लोग, ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो मैं भी अपना फ़ायदा चाहता हूँ, लेकिन तुमको समझा रहा हूँ कि समझो और पढ़ाई करो। ये सब देखने से कुछ नहीं होने वाला। अभी कोई पढ़ाता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, निकल लेते हो लाइव में, मैं देखता हूँ, है ना। अरे वो सर हैं, मैं देखा हूँ ज्ञानोदय के गुरुजी सर, ठीक है, मेरे मतलब, वो देखे कि भाई वो पढ़ाते हैं, जब वो बहुविकल्पी प्रश्न करवाते हैं भाई साहब टिक मार, तो वो मतलब वो बता रहे थे मुझसे, भाई बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बीच बीच में ही बोलते रहते हैं कि अब देखो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अब बच्चे गायब होने वाले हैं। मैं देखता हूँ भाई, मेरे भी गायब हो जाते हैं भाई साहब। कॉन्सेप्ट तुम देखना ही नहीं पसंद करते, केवल स्ट्रेटजी ले आओ, अभी 5 मिलियन व्यूज दे दोगे, और वहीं पर कॉन्सेप्ट दे दो तो 5000 व्यूज भी नहीं दोगे, 5000 बच्चे भी नहीं देखेंगे। और जो 5000 वो व्यूज है ना, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जो 5000 है वो कभी कॉन्सेप्ट पर नहीं जाते, ठीक है। जो स्कूल में भी तुम देखोगे, 3-4 टॉपर होते हैं, 3-4 अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सब वो गधे होते हैं, और उस गधे में तुम आना चाहते तो भाई इतना पढ़ो, कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब जब भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, जब सब लोग पूछेंगे बच्चे क्या करते हो, कैसे है, जब भाई बिल्कुल वो कहते ना वो मजदूरी करोगे, अब बोलोगे भैया मजदूरी करना गलत बात है, क्या गलत बात नहीं है, कुछ गलत बात नहीं है, करना फिर ना, पढ़ाई करो अभी बिल्कुल, ठीक है, मतलब सो आराम से, सो 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, जितना सोना है 24 घंटे सोते रहो, जिंदगी सोने में निकाल दो। अभी तक तो सोए भैया, अभी एग्ज़ाम है और सोएंगे, क्योंकि टेंशन है भैया क्या करें, चलो सो जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। आज मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया, थोड़ा ऑफेंस मतलब क्या बोलूँ, मतलब गुस्सा भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे थे, ऐसा पूछते हैं भैया हम पढ़ाई साल भर नहीं किए, पास करवा दो। अरे कैसे करवा देंगे, क्यों नहीं किए पढ़ाई, जब पढ़ाई करना था तो मौज कर रहे थे मोबाइल में, इंस्टा में, वो जो हिला रहे हैं अपना, है ना, अंग अंग प्रदर्शन देख रहे थे, अंग दिखा रहे थे, जो उनको देख रहे थे, अंग प्रदर्शन समझ रहे हो ना, इसमें बहुत चलते हैं, देखोगे भाई मिलियन मिलियन व्यूज रहते हैं। पढ़ाई वाले कौन, पढ़ाई वाला कोई भी चैनल भी खोलता है ना तो उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। अभी वही अंग प्रदर्शन करवाने लग जाओ, अपने बीबी का, अपने गर्लफ्रेंड का, ये वो, ये मिली वो मिली, देखो फिर बच्चों को, हाँ यही देखना है तुमको भी, जाओ पढ़ो और कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है, जाओ अभी पढ़ो।